यूपी सरकार अफसरों को भले ही आम जनता से शालीनता से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देती हो, मगर बेलगाम हो चुकी अफसरशाही सरकार की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हरदोई के संडीला में पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी की पत्नी के साथ एसडीएम के द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया। ये मामला तूल पकड़ने के बाद एसडीएम ने माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दिया। दरअसल उन्नाव के रहने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी, जेल मंत्री और डिप्टी स्पीकर रहे हैदर अजीज सफवी का बीते वर्ष निधन हो चुका है। उनकी पत्नी फातिमा सफवी का ननिहाल हरदोई में ही है। सोमवार को रजिस्ट्री के सिलसिले में अपने ननिहाल आई थी, जहां पर सर्वर डाउन होने की वजह से उनकी शिकायत को लेकर एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव के पास वो गई। आरोप है कि एसडीएम ने किसी तरह की मदद करने के बजाय उल्टा महिला से अभद्रता कर दी। पूर्व डीजीपी की पत्नी को पागल तक कह दिया, जिसके बाद फातिमा सफवी ने पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की। मामला तूल पकड़ने के बाद एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव ने फातिमा सफवी को बुलाकर माफी भी मांगी, जिसके बाद फातिमा रजिस्ट्री करवाकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। दफ्तर का सर्वर नहीं ठीक हो रहा है। पश्चिमी बंगाल में व्यवस्था है कि हम लोग एसडीएम से कहते हैं और सर्वर ठीक हो जाता है, आप उनका सर्विस ठीक करा दीजिए। मैंने मेरे मैडम से कहा कि मैडम ये सर्वर ठीक हमसे नहीं हो सकता, न किसी से हो सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये सर्वर ऑटोमेटिक ठीक होगा नहीं तो कोई इसको तत्काल ठीक नहीं कर सकता, तो वेट कीजिए। फिर वो कहेंगे मुझे फ्लाइट से जाना है, तो जल्दी है। तुम कहें कहीं भी जाना हो तो कहीं भी जाना हो हम क्या बोलते हैं सर्वर ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद वह दोबारा कहीं तो हमने कहा क्या पागलपन है, ये शब्द मुझसे निकला। तो उनका जो है गार्ड वो चली गई थी, उनका गार्ड जाके कहा कि मुझ आपको पागल कह रहे हैं, ठीक है। जब फिर वो आज सुबह हम आई तो हमने कहा कभी आपसे हमारी हार्ट अटैक हुई इस तरह की, तो उन्होंने कहा नहीं, कहें आप जो है मीडिया में बता दी, इधर बता दी। वो आज आई हमसे पूरे मिली हैं, मैं भी उनसे मिला हूँ, उनके बच्चा भी मुझसे मिला है, हम लोग एक पारिवारिक रूप में। फिर वो हमसे कहीं हमको बैठाइए कहीं, फिर उनको मैंने बैठाया। बैठाने के बाद मैंने बताया कि मुझे तहसील दिवस में जाना है, मेरी बैठिए। और उसके बाद हम तहसील दिवस में आए, हमारे उनकी अब कोई बातचीत नहीं है, न उनकी मेरे से कोई नाराजगी है। मुझे उन्होंने पुत्रवत स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, फिर उनसे बहुत जोरों का हंगामा हुआ था। अब मेरे मियाँ खुद आईपीएस के थे, डीजीपी वेस्ट बंगाल थे, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं जेल मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के, अभी अभी रिसेंटली मरे हैं। तो मेरे साथ भी ये कि बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ हुई है मेरी, इतने आराम से हमेशा मेरे मियाँ इतने अच्छे आदमी थे, मुझे रखा जी। और इतने उनकी पोजिशन ऐसी। संवाद 365 के लिए हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट।